अमा हुसैनी है तो लहरा के बोले या हुसैन कि करबल में आले रसूल, करबल में आले रसूल, बागे सैयदा के फूल, करबल में आले रसूल, बागे सैयदा के फूल, आए दीन का गुलशन बचाने के लिए, आए दीन का गुलशन बचाने के लिए, करबल में आले रसूल, करबल में आले रसूल, बागे सैयदा के फूल, आए दीन का गुलशन बचाने के लिए, हैदर के नख्ते जिगर, हैदर के लखते जिगर करके तैबा से सफर, हैदर के लखते जिगर करके तैबा से सफर, आए दीन का गुलशन बचाने के लिए। अब इस इमाम चौक को अपनी निगाहों के सामने रख ले और एहसान शाकिर का एक एक बंद सुने, लहरा के बोले या हुसैन कि आए दीन का गुलशन बचाने के लिए, कि एक तरफ थे सिर्फ बहातर और एक लश्कर, एक तरफ लाखों का लश्कर, ऐसी हैबत थी तारी, ऐसी हैबत थी तारी, 72 लाखों पे भारी, ऐसी हैबत थी तारी, 72 लाखों पे भारी, एक सबक दे दिया है जमाने के लिए, एक सबक दे दिया है जमाने के लिए, एक सबक दे दिया है जमाने के लिए। अमा उस इमाम का जिक्र आप सुन रहे हैं और इतने खामोशी से जो इमाम करबला के मैदान में अपने नाना के इन्हीं उम्मतियों को बख्शवाने के लिए अगर जरूरत पड़ी है तो 18 साल के कलियल जवान अली अकबर की कुर्बानी पेश की है, जरूरत पड़ी है तो औनो मोहम्मद की कुर्बानी पेश की है, जरूरत पड़ी है तो अली हजरत मौला अब्बास की कुर्बानी पेश की है, अमा जरूरत पड़ी तो इमाम हुसैन ने 6 माह के अली असगर की कुर्बानी पेश की है, जरूरत पड़ी तो इमाम हुसैन ने अपने आप को पेश किया है, उसी इमाम का जिक्र आप सुन रहे हैं और इतनी खामोशी के साथ इमाम हुसैन के इश्क में डूब कर अगर हुसैनी है तो लहरा के बोले या हुसैन और मोहब्बत से बोले या हुसैन। सुने इंशाअल्लाह तब जाएंगे इस चौक को देखे, कसम खुदा की जब इसे देखता हूँ तो दिल ठंडा होता है। लहरा के बोले या रसूल अल्लाह कि आए दीन का गुलशन बचाने के लिए, किस शबीर पीते हैं जाम शहादत, रब की इबादत क्या करते हैं, रब की इबादत सर पे सर पे सर पे अजमत का ऐताज, सर पे अजमत का है ताज, रन में पढ़ते हैं नमाज, सर पे अजमत का है ताज, रन में पढ़ते हैं नमाज, क्यों
अपने नाना की उम्मत बचाने के लिए अपने नाना ऐसे नहीं लगाते हुसैनी नारायण, मैं लगाता हूँ सिर्फ या हुसैन बोलिएगा। अब ये देखना है कि आजमगढ़ वाले में दम है या बलरामपुर वाले में। नारा मैं लगाता हूँ बिना कि आए दीन का गुलशन बचाने के लिए आए दीन। अब एक बंद ऐसा आ रहा है, कसम खुदा की अगर गूंगा भी हो ना, गूंगा जिसे गूंगा वो भी तड़प जाता है और रब की बारगाह में दुआ करता है, परवरदिगार अगर मेरे पास भी जबान होती ना तो मैं भी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदा बुलंद कर देता। इस बंद को सुनने के बाद अब आपके पास अल्लाह ने जबान दिया है, मैं देखता हूँ कि आपके पास कितना बड़ा दिल है जो इस बंद को सुनने के बाद ये नारा छोड़कर इधर से कोई नारा लगाता है। जब ये बंद मुकम्मल हो तब समाप्त कर ले कि आए दीन का गुलशन बचाने के लिए कि प्यास का आलम होंठ जो खोले और झूले से अली असगर बोले, झूले से अली असगर बोले क्या कि बाबा अब कर दो कुर्बान, बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी ये जान, बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी ये जान, बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी ये जान, बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी ये जान। क्यों कि दिल है बेताब अब तीर खाने के लिए, दिल है बेचैन अब तीर खाने के लिए। वाह 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 वाह, दिल है बेताब अब तीर खाने के लिए कि प्यास का आलम होंठ जो खोले और झूले से अली असगर बोले, झूले से अली असगर बोले क्या कि बाबा अब कर दो कुर्बान, बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी ये जान, बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी ये जान। क्यों कि दिल है बेताब अब तीर खाने के लिए। इसीलिए तो शायर कहता है क्या कि असगर ने अपने खून का कतरा बहा दिया, असगर ने अपने जोर से कतरा कि असगर ने अपने खून का कतरा बहा दिया, दीने रसूल पाक को उससे सजा दिया, असगर ने अपने खून का कतरा। अच्छा बलरामपुर वालों ये बताओ, आपने कभी पानी को पानी पीते हुए देखा है?
नहीं देखा है ना, चले करबला के मैदान में मैं दिखाता हूँ कि असगर ने अपने खून का कतरा बहा दिया, दीने रसूल पाक को उससे सजा दिया। और करबो बला की रेत पे खुद प्यासे थे मगर, करबो बला की रेत पे खुद प्यासे थे मगर, अब्बास ने पोरात को पानी पिला दिया। जोर से, जोर से और जोर से, कि आए दीने का गुलशन बचाने के लिए, आए दीने का गुलशन बचाने, अब्बास ने पोरात को पानी पिला दिया। क्या बात, आए दीने का गुलशन बचाने के लिए। ये सब हुआ क्यों, क्यों? ये सब हुआ क्यों? सुने, मोहब्बत के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, कि आए दीने का गुलशन बचाने के लिए। शाबीर ने काम किया है और सारे जहां में अपना नाम किया है, सारे जहां में अपना नाम किया है। आवे उम्मत की जब याद, आवे उम्मत की जब याद, सर कटाए शादो शाद, आवे उम्मत की जब याद, सर कटाए शादो शाद। क्यों? अपने नाना का वादा निभाने के लिए, अपने नाना का वादा निभाने के लिए। इसीलिए तो शायद जब मक्ते पे पहुंचता है तो एक बात कहता है, वो बात क्या है कि यौमे जज़ा तक याद करेंगे शाकिर अम परी, याद करेंगे शाकिर अम परी, याद करेंगे। क्यों? कि मेरे मौला कर एहसान, मेरे मौला कर एहसान, हम भी हो जाएं कुर्बान। मेरे मौला कर एहसान, हम भी हो जाएं कुर्बान, अपने प्यारे नबी के घराने के लिए, अपने प्यारे नबी के घराने के लिए, अपने प्यारे नबी के घराने के लिए, अपने प्यारे नबी के घराने के लिए। रात रात